हेलो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट और ये हमारी जंगल सफारी का एक और जंगल सफारी। हाँ गाइस, तो आप ऐसा मत सोचिए इसमें बस एनिमल्स होंगे, इसमें होंगे ड्रैगन्स, बॉस, बहुत सारे खतरनाक वेपन्स और स्नेक्स, रेप्टाइल्स और कुछ कुछ स्नेक्स तो मुझसे भी बड़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, मैं ये एक ड्रैगन के हर्ट के पास स्पॉन हुआ हूँ, यार क्या लग के। तो फिर चलिए पहले इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। अरे भाई, भूल गया था, सॉरी भैया, अब नहीं लग गया ड्रैगन। हाँ भाई, चलो इसको अभी हैचिंग पे लगा दिया है और एकदम संभल के। हाँ तो देखते हैं इस चेस्ट में क्या है। ओ भाई, दो डायमंड्स, इतने सारे गोल्ड्स, डायमंड, ये सॉरी ये अपना सैडल, आयरन, बोन्स, 64 एरोज, एक स्टैक। यार मजे आ गए। अब इस चेस्ट में, वाह भाई, मतलब वो भी मिल गया भाई, और डायमंड्स ये मैं रख, ये ना मैं, मतलब ये जो है ना कॉबवेब्स, मैं एमएलजी के लिए रख लो। ओ भाई, हार्मिंग क्या है उस स्टैक, ओ यार क्या ही लूट, मजा आ गया। ओ भाई यार, डायमंड का मजा आया। वैसे 100 सालों में भी ऐसे होगा मेरे को लगता है गाइस, ये अंडा, इसलिए हम यहाँ से जाते हैं। और भाई हम यहाँ से सीधा पानी में, मैं क्या करूँ गाइस, आई एम नूब। ये आवाज किसकी थी भाई, ओए भाई फिर से आ रही है भाई, किसकी है, किसकी आवाज है साहब। ओ भाई भाई, कौन निकाला है मेरे को, डरा भाई भाई भाई, इतना बड़ा होल, मैं पहाड़ी पे चढ़ के देखता हूँ कौन निकाल रहा है आवाज। पता नहीं कौन निकाल रहा था भाई, वापस से मैं जाने दो भाई, मेरे को कुछ नहीं करना, जान यही दो भाई, खाली चलो उनसे कम चेस्ट तो मिल गई हमें, चेस्ट होते भाई, इसका भी घर है, मस्त घर है। भाई सबसे डर रहा है जो भी ये निकालते, अगर कोई विलेजर निकाला होगा ना तो बहुत मांगा, पर विलेजर तो नहीं निकाल सकता भाई,
मुझे जो खुद इतने भूत गए खुद ही डर रहे। ओ भाई नाइस आना। चलो चट्टी मिल गई इज्जत बची जाएगी। चलो भाई अभी यहाँ पे चलते हैं। भाई ये क्या है भाई? देखिएगा इस बर्ड्स है ये तो क्यूटी क्यूटी। अरे वो छोड़ो ये आवाज के। और ये क्या स्ट्रक्चर है भाई? भाई स्पॉनर्स किसके भाई? ये तो और एक ज़ॉम्बी का अंडा है, मतलब ड्रैगन का भाई। ज़ॉम्बीज का है भाई स्पॉनर। भाई मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है भाई सच में बताओ। ओ भाई ये तो लगेंस है अच्छा तो ज़ॉम्बी ड्रैगन का है मतलब ये। ओ भाई यार ओपी गाइस यार क्या लूट है, मजे आ गए यार। गाइस सच बताओ मेरे को मजे आ गए भाई। हमारे यहाँ पे बच्चे हिला रहे, मैं भी तो बच्चा हूँ वैसे। अबे भाई ये बच्चे चल रहे। ओ भाई 9 अटैक डैमेज जो स्वॉर्ड मच्छा को भाई। पहले मैं ये सब तो पहले रख देता हूँ। भाई शायद से यू बर्ड निकल बर्ड्स ऐसे आज निकल गया गाय। ओ भाई वो क्या आउच गिर गया भाई वापस से आवाज गए। भाई ये क्या है भाई? ये मुझसे भाग क्यों रहा है भाई? ये तो इग्वाना है यार। भाई आवाज कैसी है भाई? चलो मैं जाके देखता भाई। आ तो इधर से इधर ही है। बताए कौन से जानवर हो गए यहाँ पे भाई? निकलोगे छोटे मोटे कोई तो जानवर। भाई ये क्या देख लिया भाई? इतना बड़ा सांप मैंने क्या जो काम करता हूँ हमला करता हूँ भाई हारने के भूसे करता हूँ मतलब एरोस। अबे भाई मैं अनिश्चित भाई वो कहाँ गया भाई? वहाँ पे भाई ये मेरे पास आ रहा क्या भाई? तो ये मैं निशान खराब है ज़्यादा भाई इसका तो इसका इसलिए मैं इसके लेके इसके पास जाता हूँ। ओए भाई भाई इसकी पूछ यहाँ पे मार के देख भाई भाई। चलो मैं इससे फाइटिंग ले ही लेता हूँ यार गाइस। मेरे को नहीं लगता मैं इसको मार पाऊंगा भाई। मैं खिसक लेता हूँ ओए भाई। सांप आई हेट स्नेक। आ भाई कोई तो बच्चा हो
कोई तो बचाओ यार। मैं पहले तो अपना रिसेंट स्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ। भाई कसम से यार डर गया, अरे हाफ हार्ट पे लाके छोड़ दिया उस सांप ने तो। वो तो पहुंच नहीं सकता, पानी के रास्ते ही जाना पड़ेगा। भाई इगुआना ऐसे कुछ नहीं करते यार, यार है क्या वैसे। ओ भाई ये तो फिश है भाई, ये सांप भाई पाए जाओ क्या, कुछ करेगा तो नहीं भाई। भाई मेरे को रिस्क नहीं लेने का यार, इतना बड़ा था क्या बता कब मेरे को अपने लपेटे में ले ले। और फिर भाई नहीं क्या जो कि ये झूठ है। अबे भाई ये इतनी बड़ी वेल मेरे पास क्या, ओए भाई भाई किसने मारा। भाई ये इकुआना तो ब्यूटीफुल है यार, ऐसे ये मार सकता है मेरे को, इसके कांटों को देख के लगता है। भाई वहाँ पे क्रोकोडाइल से यार, भाई भाई मारेगा तो नहीं ना भाई, क्या ये मेरे को मारेगा। ओ भाई यार यार हाँ भाई नहीं ये नहीं मारा भाई, ये समुद्री जॉम्बी मार रहा है। निकल पहली फुर्सत में निकल भाई, ये मारेगा नहीं। ओ भाई ये मार, ये भी मारता है भाई। इस वर्ल्ड में तो सब लोग में जान के पीछे पड़े हैं, भागो भाई भागो भाई भागो, सब हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हैं भाई। मुझे तो नहीं लगता मैं इस वर्ल्ड में आखिर तब सरवाइव कर पाऊंगा जिसको मैं ख़त्म करने आया हूँ। मुझे तो नहीं लगता मैं उसको मारने तब इस वर्ल्ड में सर्वाइव भी करूँगा। आपको क्या लगता है कर पाऊँगा। इसलिए आपको भी लगता होगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा। भाई ये आवाज तो और बढ़ गई जो वो स्नेक निकाल रहे थे। और भाई वहाँ पे तो स्नेक्स की फाइट चल रही है भाई। भाई हाँ मैं अगर किसी ने मुझ पे हमला किया तो मैं उसको कॉपी। भाई ये बटरफ्लाइज तो पक्का नहीं मारेगी, पक्का नहीं 100% गारंटी बटरफ्लाई नहीं मारेगी। मैं इसको मार के देखता हूँ, बताए मुझ में बहुत कीड़ा है। भाई देखो ये भी तो भाग ही गए भाई, ऊपर तो और भी स्नेक से। तो ऐसे कैसे कैसे गाइस मैं यहाँ पे पेट्स बना लिया है वुल्फ। ओए भाई भाई सांप 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 भागो 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 गाइस भागो। एक तो मैं अधिसम पॉइंट का जो विलेज है जहाँ पे मैंने बेड पे रिस्पॉन पॉइंट सेट किया है वो भी इतना दूर है, अगर गया तो कहाँ तक जाऊँगा भाई अपना सामान लेने। भाई मैं इस माउंटेन के ऊपर से चढ़ता हुआ जाता हूँ यार, तो ना क्या कार जाओ। ये घोड़ा नहीं मारा चलो शुक्र है यार। गई मुझे पता चला है मैं
इग्वानास को भी टेम कर सकता हूँ, तो फिर भाई मैं इनको भी टेम करने की ट्राई करूँगा। एटलीस्ट कोई तो होना चाहिए मेरी रक्षा के लिए। ये बता ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, पर एटलीस्ट ये दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे भागने का तो एटलीस्ट मौका मिले। भाई कितना बड़ा सांप है, पर मैं भी डरूंगा नहीं यार। जब बहुत पावरफुल हो जाऊंगा ना तो भाई इनको तो मैं भाई इस वर्ल्ड से इनका नाम और निशान मिटा दूंगा। और मेरे इस एपिसोड का गोल है अपने लिए कुछ पेट्स बनाना यार। देखते हैं कि मैं इस गोल को कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं, या उसके पहले मैं मर जाऊंगा। भाई अगर मेरे पास टोटम होता ना तो कसम से मैं इनके सामने एकदम चौड़ में चला जाता हूँ। ये कहाँ पे हूँ यार, मैं कहाँ पे हुआ आखिर। ये तो भाई मैं क्या मतलब इसका, यहाँ पे तो क्या यहाँ पे पूरा एमेथिस्ट चियोड़ भरा पड़ा है। पिल्ले जाओ भाई, मैं इनसे ही पंगा नहीं ले सकता यार। भाई यार क्या करूँ, इस वर्ल्ड में जीना मुश्किल है यार। सच में बहुत मतलब बहुत जो करता रहता हूँ, बट यार सच में इस वर्ल्ड में जीना मुश्किल है भाई। मुझे नहीं लगता मैं इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाऊँगा। अगर इसमें ऐसा क्यों बोला तो उसकी वजह कि मेरे को नींद आ रही है। मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ यार गाइस, इस बात पे एक लाइक, बस एक लाइक कर दो यार गाइस। इसमें बहुत मेहनत करती है मुझे और मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर्स को। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए यार गाइस। मैं बता नहीं तो कहाँ पे आ गया हूँ। वापस उसी पीले जो टावर के पास आ गया लगता है। भाई वो जगह भी है बहुत, ओ भाई अंदर गया पर माइन भी तो भाई ये तो पास ही। मैं उसके लिए जो टावर के भाई भागना पड़ेगा यहाँ से। ओ भाई आगे का और मेरा विलेज तो यहीं पे है। तो गाइस देखिए ओपी कॉबवेब एमएलजी हक दी, मैंने भी तो हक दिया है ना भाई। वैसे पूछना क्या है, सच में हक दिया। पर मैं बास थोड़ी ना आने वाला हूँ अब मैं ना बात। चुप है भाई, जल्दी से तोड़ते हैं इस कॉबवेब को। भाई यहाँ तो जाने का रास्ता है भाई। भाई कहाँ पे है सांप भाई, डरा दिया भाई इस विलेजर ने। मुझे लगा उस घर से मेरे को कोई तो देख रहा है, पीला पीला बन मतलब सांप वो भी बहुत बड़ा वाला, मतलब जो आपने देखा ना ब्राउनिश उससे भी बड़ा। भाई डरा दिया कसम से। मैं
गोलम बाबू भाई, चलो इनको हम रिपेयर कर देते हैं। क्या पता विलेजेस हमसे खुश हो जाए। चलो भाई गोलम बाबू तो हो गए रिपेयर। भाई मैं काम करता हूँ, ये तोड़ूंगा नहीं। अबे भाई विलेजेस तो यो मत यहाँ पे। गाइस तो फिर चलो आज मैं फिर भी वापस एक बार जाके देखूंगा आज घर में कि कोई पर्स मिलते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ जंगल में जाने के बाद। तो गाइस मैं इस आइसलैंड पे आ चुका हूँ। देखिए मेरे को एक मतलब वुल्फ मिल गया यार। भाई एक पे तो मैं एक पे तो टेम्प्ट कर ली। भाई मैं इन पर चढ़ भी सकता हूँ यार। हैशटैग ओपी भाई। हेल्थ भी तो इनकी भाई गद्दर है भाई। भाई हाँ यार रुको। यार वापस से सांप की आवाज। भाई यहाँ पे कौन मरा? भाई ये उस दिन का भाई यार मैं शॉट लेके चलता हूँ यार। पहले तो पता है यहाँ पे कितने सारे। ओ भाई भाई मैं डर गया था यार। अबे भाई मेरे को बचाना उस वुल्फ से। भाई भाई रुको यार तुम लोग। भाई ऐसे से मेरे को मारा क्यों नहीं? भाई इसने मेरे को मारा नहीं यार। ऐसे ओ भाई भाई हो बहुत डाला भाई कसम से। अबे भाई भाई यार इन्होंने तो दूसरे उल्फ को मार दिया यार को बचाने के लिए। हाँ भाई ये नहीं मारेगा मेरे को भाई। ओ भाई यार अल्लाह भाई अब तू बाहर। ये वही वाला लेजर है ना जिससे भाई को लगा कि सांप है भाई लाल। अबे भाई वापस से जाऊं। भाई इसको बेचारे को भी मार दिया है। हाँ भाई तू अब आना भाई फ्लॉग है यार यहाँ पे तो भाई रेड वाना है मस्त है यार। और मैं तो अभी अपने घर जाता हूँ यार। चलो यार गाइस मैं अपने घर चलता हूँ। मैं खा लेता हूँ भाई ये वो ले जा रहे हैं यार। भाई अब कहाँ से आई है ये सांप की आवाज? भाई अब नहीं यार अब तो नहीं है भाई सब। अब यहाँ पे तो कोई सांप ने भी कर दिया। कुत्ते सांप को साफ कर देंगे यार अगर किसी सांप ने मुझ पे इतने सब हाफ हार्ट का भी डैमेज दिया ना तो भाई मैं कुत्ते उसको चीर फाड़ के रख देंगे मेरे डॉगी। हाँ
बताओ यार, मानना पड़ेगा। सॉरी यार, मैं डॉगी को खाना चाहिए। भाई ये बेचारी भाग गई अपने पार्टनर को मरता देख। ये अभी और छोटे छोटे पिल्ले हो गए भाई। भाई तुम लोग रीडिंग करो। हाँ भाई 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 कर दो। हाँ भाई कर दो। आ गया पिल्ला। ओ भाई पिल्ला आ गया। अब तो मर जाएंगे भाई। अब और एक होगा छोटू सा बेबी। हे बेबी, वही बेबी क्यों नहीं करते? भाई भैया तुम लोग अच्छा अब कर रहे हो भाई। तुम उसका बेबी कहाँ हो भाई? मैंने ब्रीडिंग ही क्यों भाई? भाई ये क्या है यार, ये क्या चक्कर है यार? चक्कर है आप तो क्यों भाई? भाई तुम लोग भाई चलिए यार, अभी मारने पड़े आप किसी ने इसे। भाई क्या मैं ले लूं पंगा? भाई आ गया। अब तो ये गया, अब गया, अब गया सांप। ये सांप की तो अब शाम मत है भाई। मैंने अपने डॉग उसको ही मार दिया यार। भाई भाई इन लोगों ने तो उसको चीर फाड़ के रख दिया भाई। मैंने पल के झपका ही और कसम से मेरे को कोई मारने वाला नहीं है। अरे भाई ये चुन्नू चुन्नू सांपों की आवाज से मैं डरने वाला हूँ। डरते हैं क्या भाई? सच बताओ तो डरता हूँ। कसम से मैं डॉगीज नहीं होते ना तो भाई मैं उसको दूर से ही देख के भग जाता। डॉगीज है भाई, मेरे को हाथ भी लगाया तो शाम होता है कि भाई शीप्स। भैया सॉरी भाई, भाई तो भाई मूल को मैं इस घर पे इस विलेजर के लिए एक सस्ता बेड बना देता हूँ मूल से। ये लो खा लो। अरे भाई भाई गाइस, इन्होंने बिल्डिंग कर लिया फाइनली। अब मैं देखता ही। ए बंदरमैन! अरे बंदरमैन तू कहाँ भागेगा बे? अरे कहाँ भागेगा बंदरमैन? बंदरमैन पता तू कहाँ भागेगा भाई? क्या देखो गाइस, चोर है अपनी डॉगीज के साथ। भाई कोई हाथ नहीं लगा सकता तो फिर चलो गाइस, हम इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर।